खा रहे हैं कांजे भरे, पापा भी खा रहे थे, वो खिला के जाते हैं हमें। पानी लेने जा रहे हैं तो मेरे साथ जा रहा है केतन, जैकी का भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पुराने वाले प्लॉट से। गाइस, अभी फोन आया है कि अभी हमारी ईंटें आने वाली हैं, तो अभी तो ईंटें आते हैं, जैसे ईंटें आएंगी मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्लॉट में दो पेड़ लगाए चाची जी ने और दादी जी ने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है नीम का पेड़ और ये है शायद सैतूस, या नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे वैसे भी। जामुन, हाँ शायद जामुन का पेड़ है ये शायद जामुन का पेड़ है। और ये पता नहीं, ये तो यूं ही लगा दिए। और अभी चलते हैं घर पे, जैसे ट्रैक्टर आता है ऐसे आपको मैं दिखाता हूँ। और रोजाना की जैसे नितिन और छोटे छोटे जितने भी थे सब चले गए, मैं खाली अकेला ही घर पे हूँ बस, और कोई नहीं है नहीं। नितिन आएगा स्कूल से समथिंग 1 बजे के करीब, और बाकी हाँ सब जने 1 बजे आ जाएंगे। और बाकी दादी जी बाहर गई है, मम्मी जी शायद उस वाले घर पर हैं, अभी चलते हैं। फाइनली अभी ईद आ चुकी है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ईट आ चुकी है और अंकल जी उतार रहे हैं नीचे। तो गाइस हम खा रहे हैं कांजे भरे, पापा भी खा रहे थे, वो अंकल जी। आपका नाम क्या है? रवि। तो अंकल जी का नाम है रवि, ये डेली बर्थडे आते हैं और रोज खिला के जाते हैं हमें। और ये आ गए हमारे कांजे भरे। तो गाइस भैया जी के कांजी बड़े खाने के बाद मन अच्छा हो चुका है, एकदम एनर्जी आ चुकी है मेरे अंदर। इतनी एनर्जी आ चुकी है कि सारी ईंटें मैं देख सकता हूँ उतरते हुए। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी पानी लेने के लिए फिल्टर का, क्योंकि यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं होता। गाड़ी हमें मिल चुकी है चाचा जी की, तो अभी चलते हैं बाजार और मार्केट से लाना पड़ेगा हमको पानी, क्योंकि यहाँ पर पास में हमको मिलता नहीं है। पानी लेने जा रहे हैं तो मेरे साथ जा रहा है केतन, जैकी का भाई। तो चलें, चलो। तो गाइस पानी लेके मैं आ चुका हूँ अपने घर पर, और अभी गाड़ी खड़ी करके आने हैं मुझे चाचा जी के यहाँ पर। और अभी पानी घर पे देने गया जैकी का भाई, अभी आ रहा होगा। ये जैकी का भाई आ रहा है गाँव में, और गाँव में एक चीज़ बहुत अच्छी है, भैंसे। वैसे बहुत अच्छी लगती है गाँव में। तो गाइस सारी ईंटें अभी अंदर रख दी है, टोटल ये ईंटें 4000 की करीब है, 4000 ही हैं टोटल। तो इन ईंटों को वहाँ से लेकर आने में इतनी हालत ख़राब हुई है, हाथ मेरे बहुत दर्द हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा थकने वाला बंदा मैं हूँ, क्योंकि पहली बार इतना काम किया है, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। इन ईंटों को देखकर ऐसा लगता है मेरी खून पसीने की मेहनत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दे, और जो भी मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब।